हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जीकेएस कार ब्लॉग में। और दोस्तों आज हमारे पास है मारुति की कॉमर्शियल गाड़ी जिसका नाम है मारुति टूर एस डिजायर। ये डिजायर का टूर एस वेरिएंट आपके सामने है जो कि है दोस्तों सीएनजी में आपको गाड़ी ये मिल जाएगी। तो कुछ फीचर्स जानेंगे दोस्तों इसमें क्या क्या आपको देखने को मिल जाते हैं, कितना माइलेज मिल जाता है, कितने इसमें कलर मिल जाते हैं, सारे कुछ हम लोग आज यहाँ पर जानने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए गाड़ी में इंजन कितना मिलता है। तो 1.2 लीटर का इंजन है और सीएनजी में माइलेज इसका 32 किलोमीटर पर केजी का मिल जाता है। तो कॉमर्शियल पर्पज के हिसाब से आपका माइलेज बहुत अच्छा दोस्तों मिल जाता है। और यहाँ पर देखिए कलर की बात करते हैं तो 7 कलर ऑप्शन आपको दोस्तों मिलते हैं, लेकिन व्हाइट कलर ही जो है मैक्सिमम डिमांड में आपका रहता है यहाँ पर। और ये जो आपका है बेस मॉडल आप लोग देख पा रहे हैं सीएनजी का टूर एस का आपको सामने देखने को मिलेगा। और इसके बात कर लेते हैं प्राइस रेंज की भी दोस्तों, तो 7,46,000 इसका जो है एक्स शोरूम प्राइस है सीएनजी का। बाकी जो ऑन रोड लेंगे उसके बाद आपको मिल जाएगा, सिटी वाइज आपका डिपेंड करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं गाड़ी के फीचर्स, एक्सटीरियर व्यू इंटीरियर व्यू कैसा आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे जो एक्सटीरियर प्रोफाइल है, सेम आपका डिजायर जो है वैसा सेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। डिजायर लुक आपको पूरा दिया गया है। पहले जो आती थी वो पुरानी टूर एस, उसका डिजाइन कुछ चेंज था, लेकिन यहाँ पर अब सेम डिजायर जैसा है आपको देखने को मिलता है। बस नंबर प्लेट से ही लोग पहचान पाएंगे, ऐसे नहीं पहचान सकते हैं। तो ये दोस्तों देख पा रहे होंगे आप बेस मॉडल जो टूर एस का आपके सामने है, और यहाँ पर लुक आपको पूरा डिजायर का मिल रहा है। और यहाँ पर बोनट देखेंगे तो ये आपको प्लेन में आपको मिल जाता है, हल्के से कर्व यहाँ पर है। हेलोजन में देखिए हेडलैम्प्स आपको मिल जाता है यहाँ पर, और ये टर्न इंडिकेटर यहाँ पर, लो बीम का बल्ब भी आपको यहाँ पर मिल जाता है अपर साइड में। और इसके बाद जो फ्रंट व्यू है तो आप ग्रिल देखेंगे तो यहाँ पर आपको दोस्तों ये ब्लैक फिनिश मिल जाता है, और ये आपको ग्रे फिनिश शाइनिंग का वर्क है ये साइड में आपको मिल जाता है इसके। और सुजुकी का क्रोम फिनिश में लोगो आपको मिड में देखने को मिल जाता है। और इसके बाद आती है दोस्तों यहाँ पर साइड प्रोफाइल, तो यहाँ पर साइड प्रोफाइल में देखते हैं ये आते हैं रिम आपको मिलेंगे, सिल्वर फिनिश आपको दोस्तों मिल जाते हैं, फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलता है, रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलता है। और यहाँ पर आते हैं व्हील साइज, तो आपको 14 इंचेस के व्हील आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके बाद आता है टर्न इंडिकेटर जो कि आपको फेंडर में यहाँ पर मिलेगा, वो आरबीएम है, वो आपको यहाँ पर ब्लैक फिनिश मिल जाते हैं। और ये आता है यहाँ पर ब्लैक फिनिश में डोर हैंडल है जो कि आपको सभी देखने को मिलते हैं। और इसके बाद आता है गाड़ी का अब रियर लुक, तो यहाँ से तो यहाँ पर रियर लुक आप लोग गाड़ी का देख सकते हैं। और ये आता है बहुत ही प्यारा सा रियर प्रोफाइल है जो आपको सेम डिजायर सा मिलता है। और यहाँ पर देखेंगे बैक में तो इस जगह आपको मिल जाते हैं एलईडी में टेल लैंप है, ये स्टॉप लाइट आपको यहाँ पर मिल जाती है एलईडी में, और टर्न इंडिकेटर है हैलोजन बल्ब के साथ में, रिवर्स पार्किंग लाइट आपको यहाँ पर मिल जाती है। और इसके बाद आप दोस्तों देखेंगे 4 सेंसर हैं आपको जो रिवर्स पार्किंग के यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके बाद आता है बैक में क्रोम का ये वर्क आपको यहाँ पर बैक में देखने को मिल जाता है। और ये आएगा लेफ्ट साइड में टूर एस आपको लिखा हुआ यहाँ पर मिल जाता है, जो कि आपको ये ग्रे फिनिश का स्टीकर आपको मिलता है। बैक में यहाँ पर सुजुकी का लोगो है क्रोम फिनिश में मिल जाता है। और ये आपको स्टॉप लाइट यहाँ पर मिल जाती है, ये प्लेन में ग्लास है, सीएनजी का स्टिकर मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको रेडियो एंटीना एक बैक में देखने को मिल जाता है, जो आप लोग यहाँ पर इंफोटेनमेंट है वो बाहर से इंस्टॉल करवाएंगे। और ये आता है देखिए जो रियर लुक है आपको यहाँ पर दोस्तों देखने को मिल जाता है, बैक का प्रोफाइल बहुत ही प्यारा सा लुक है। और यहाँ पर आ जाती है सीएनजी फिलअप है जो एक्सटर्नली आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे फ्यूल लिड मिल जाती है, और जो सीएनजी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है 55 लीटर की आपको मिल जाती है, और इंस्टॉल्ड बाई मारुति सुजुकी यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये बैक का प्रोफाइल है पूरा, आपको साइड व्यू देखने को मिल जाता है। और इसके बाद दोस्तों अब हम दिखाते हैं इंटीरियर का व्यू कैसा आता है। जो बूट स्पेस है वो आपका वहीं से ओपन होगा, तो इंटीरियर दिखाने के बाद आपको बूट स्पेस दिखाएंगे यहाँ पर। तो ये देखिए है डोर्स का व्यू आपको यहाँ पर मिल जाता है, और ये आएगा यहाँ पर इसका लुक है, जो कि कलर आप लोग देखेंगे यहाँ पर पीच कलर है मिलेगा आपको, बहुत ही प्रीमियम कलर है ये। और यहाँ पर जो आपको मिल जाती है अनलॉक की बटन है, ये आपको यही सेम पीच कलर में आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जो है विंडो कंट्रोल है आपको ये मैन्युअली मिलेगा, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है, बॉटल स्टोरेज है यहाँ पर भी स्टोरेज है, और स्पीकर का ऑप्शन आपको यहाँ पर दोस्तों दे दिया जाता है। इसके बाद में आप लोग इंटीरियर में देखते हैं तो ये है इंटीरियर का प्रोफाइल है, जो कि पूरा पीच कलर का आपको यहाँ पर इंटीरियर मिल जाता है। और यहाँ पर सीट्स भी देखते हैं सेम आपको, सेम कलर आपको पूरा इंटीरियर में मिलता है, फैब्रिक में मिल जाती है, हेडरेस्ट आपको फिक्स में मिलेंगे, और सीट फोल्डिंग का एक ही बटन मैनुअली मिल जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो ये है देखिए बूट ओपनिंग का और फ्यूल लिड ओपनिंग का बटन आपको यहाँ पर मिलता है दोस्तों। और इंटीरियर में बैठ के देखते हैं तो इस जगह देखेंगे ये आता है, ये फ्यूल मोड चेंज का आपको मिल जाता है सीएनजी पेट्रोल में, ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन भी दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाता है, लाइट्स का एडजस्टमेंट यहाँ पर मिलेगा, और ये आपको वेंट्स एसी के वेंट्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं पीच कलर में। और ये आप दिखाएंगे यहाँ पर स्टेयरिंग का कॉलम कैसा मिलता है, तो वो भी आपको दोस्तों दिखा देते हैं एक बार। तो ये देखिए आपको स्टेयरिंग का कॉलम है,
कंप्लीट ब्लैक फिनिश प्लेन में आपको मिलता है, कोई भी बटन यहाँ पर नहीं मिलती है। और सुजुकी का क्रोम फिनिश में लोगो मिल जाता है। इसके बाद स्टेयरिंग कॉलम भी आपको टिल्ट में यहाँ पर मिल जाता है, तो एक ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया जाता है। और यहाँ पर कीज देखेंगे तो दोनों मैनुअल कीज आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। और ये सामने आप देखेंगे तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मैनुअल ओडोमीटर आपको यहाँ पर मिलता है, 200 किलोमीटर की मैक्सिमम स्पीड मिल जाती है। और डिजिटल स्क्रीन भी मिलती है जिसमें ट्रिप डिस्टेंस किलोमीटर इन्फॉर्मेशन आप लोग देख सकते हैं, उसके रीसेट की ये जो ट्रिप की बटन है यहाँ से आप लोग कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखते हैं तो इसमें आपको लाइट्स के कंट्रोल हैं, लेफ्ट साइड में वाइपर्स के कंट्रोल आपको मिलते हैं। और ये आता है डैशबोर्ड जो कि डुअल टोन आपको ब्लैक एंड पीच कलर दोनों कॉम्बिनेशन में मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर दो एसी वेंट्स मिलते हैं, सिल्वर फिनिश साइड में आपको मिलता है। और पार्किंग लाइट की बटन यहाँ पर आपको मिलती है। इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो आप लोग इंस्टॉल करवाएंगे आफ्टर मार्केट या यही शोरूम से आप लोग लगवा सकते हैं। और ये एसी के कंट्रोल्स आपको नॉब मिल जाते हैं, मैनुअल आपको मिलेंगे। और ये 12 वोल्ट 120 वाट का सॉकेट यहाँ पर आपको मिल जाता है। यहाँ पर मोबाइल स्टोरेज है, इस जगह दो कप होल्डर मिलते हैं। ये आपको गेयरबॉक्स 5 गेयरबॉक्स मिलते हैं, सिल्वर फिनिश साइड में है, लेदर का कवर मिलता है। हैंड ब्रेक आपको मिल जाता है ये पीच कलर बटन के साथ में। और ये पूरा जो इंटीरियर है सेम मिलेगा। और इसमें स्पीड लिमिट आपको मिलती है 80 किलोमीटर पर आर की आपको मिल जाती है कॉमर्शियल की वजह से। और यहाँ पर देखेंगे तो एक सॉफ्ट फोल्डिंग में ग्रैब हैंडल आपको दोस्तों मिलता है। और यहाँ पर आता है एक ये छोटा सा ग्लव बॉक्स, दो एयरबैग आपको यहाँ पर मिल जाते हैं ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड में। और इसके बाद अपर साइड में देखेंगे तो सनवाइजर है विदाउट टिकट होल्डर, और लेफ्ट साइड में सनवाइजर है ये भी आपको विदाउट वेंटी मिरर मिलता है। IRVM मैनुअली एडजस्टेबल आपको मिल जाता है। और इसके बाद यहाँ पर देखते हैं दोस्तों तो ये पूरा इंटीरियर आपको यहाँ पर मिल जाता है जो कि आपको फ्रंट का व्यू देख सकते हैं। इसके बाद आप चलिए बैक में दिखाते हैं, बैक वाली सीट में स्पेस वगैरह देख लीजिए एक बार कैसा आपको देखने को मिलता है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर है ये देखिए बैक वाला डोर है, और इसका व्यू देखेंगे तो ये आपको सेम पीच कलर में आपको मिल जाता है, पूरा पीच कलर का वर्क आपको है यहाँ पर देखने को मिलेगा। अनलॉक की बटन सेम पीच कलर में, और विंडो कंट्रोल है मैनुअली आपको मिलता है, ग्रैब हैंडल है, बॉटल स्टोरेज है, स्पीकर वगैरह आफ्टर मार्केट करवाएंगे। और ये सीट देखिए फैब्रिक में मिलती है, सॉफ्ट में मिलेगी, फिक्स्ड में हेडरेस्ट है, बैक में दो मिल जाते हैं। और बैठने के बाद यहाँ पर देखते हैं कंफर्ट, तो सेम डिज़ायर जैसा आपको कंफर्ट मिलता है। और ये आता है लुक पूरा आपको देखने को मिल जाता है, लेगरूम अच्छा खासा आपको यहाँ पर दोस्तों मिल जाते हैं, तो पैसेंजर यहाँ पर कम्फर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर एक बॉटल स्टोरेज मिल जाता है, और मिड में एक लैंप लाइट दी जाती है यहाँ पर देख सकते हैं। और ये आते हैं सॉफ्ट फोल्डिंग में ग्रैब हैंडल हैं जो कि दोनों साइड आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और बैठने का व्यू एक बार देख लीजिए, तो यहाँ पे इस तरीके से आराम से आप लोग यहाँ पर कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। और बैक में यहाँ पर पूरा क्लोज में मिलेगा, बैक में रहता है CNG टैंक। तो एक बार बैक में दिखाते हैं दोस्तों, बूट आपको कितना मिल जाएगा, बूट स्पेस वगैरह वो भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले ओपन करते हैं बूट स्पेस को यहाँ से, और ये दिखाएँगे। देखिए बटन प्रेस करके आपका टेलगेट ईजिली ओपन हो गया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर ये आता है व्यूज़ का देख पाएंगे, ये आता है यहाँ पर CNG टैंक आपको फिट मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये आपको लगेज रखने के लिए स्पेस मिल जाता है, तो आधा लगेज आप लोग लगभग 150 से 200 लीटर का बूट स्पेस आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ तक आप लोग इतना लगेज रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, ट्रॉली बैग यहाँ पर आपका आ जाएगा। तो ये है दोस्तों यहाँ पर, और बाकी ये इधर ओपन में आपको देखने को मिल जाता है, ये लॉक का है, इतना कुछ है यहाँ पर आपको मिलता है। तो ये पूरा लुक है गाड़ी का दोस्तों, देख सकते हैं ये हमारी डिज़ायर टूर एस गाड़ी है, कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए है, आपके लिए बेहतरीन गाड़ी है दोस्तों। अगर आप लोग कोई कॉमर्शियल गाड़ी देखना चाहते हैं पैसेंजर के लिए, तो ये है आपके सामने टूर एस CNG वेरिएंट है। आपको दोस्तों कैसा लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके ब्लैक एंड प्रेस करिए। इसी तरह के नन्हे कार वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे दोस्तों। फिर मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा।